अखिलेश यादव की आरएसएस को नसीहत, संभल जाओ वरना एक्सपोज कर दिए जाओगे। अखिलेश के बयान से आरएसएस में मची खलबली, क्योंकि गांव-गांव तक अखिलेश खोलने वाले हैं आरएसएस के काले पन्नों का राज। बीजेपी के कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति को गोकर्णनाथ और नैमिष धाम से चित करेंगे अखिलेश। समझिए क्या है अखिलेश की सामाजिक न्याय की बिसात बिछाने वाली राजनीति। यूपी की राजनीति में धर्म और आस्था से बड़ा मुद्दा जातीय माना जाता है। 2024 की तैयारी में जुटी सपा ने बीजेपी की राम मंदिर पॉलिटिक्स से पहले सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना जैसे मुद्दे पर गांव-गांव चर्चा करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व और धर्म की राजनीति को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय की बिसात बिछाने के लिए गोकर्णनाथ और नैमिष धाम जैसे धार्मिक केंद्रों को चुना है। इससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, तो वहीं सपा ने पहली बार कैडर मजबूत करने पर पूरा जोर लगाया है। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि सपा के बूथ और सेक्टर की ट्रेनिंग अभियान के पीछे सबसे बड़ा प्लान आरएसएस और उसकी विचारधारा को गांव-गांव तक जाकर एक्सपोज करना है। नैमिष धाम में अखिलेश यादव ने साफ संदेश देते हुए कहा है कि हमें सबसे पहले सामाजिक न्याय के साथ ही जातीय जनगणना कराने की लड़ाई लड़नी होगी, आरएसएस की विचारधारा को समझना होगा। फिलहाल सपा कार्यकर्ताओं को सेक्टर और बूथ लेवल पर ट्रेनिंग दी गई है। कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि गांव-गांव जाकर आरएसएस की विचारधारा के बारे में बताएं, ये भी बताएं कि वो धर्म और जाति के आधार पर प्रदेश और देश को कैसे बांट रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मूल रूप से सपा के बुकलेट में आरएसएस की विचारधारा क्या है, किस आधार पर काम कर रही है, किस तरीके से बांटने की राजनीति हो रही है, इन सब मुद्दों को कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है। समाजवादी आरएसएस को स्वर्णवादी घोषित करने की तैयारी में है। सपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में सबसे ज्यादा यूथ को जोड़ने और जिम्मेदारी देने पर फोकस कर रही है। हर बूथ पर 10 नए कैडर बनाने के लिए काम करने की बात सामने आई है। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव कैडर मजबूत करने के लिए प्रदेश के 75 जिले के 80 लोकसभा सीटों पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के आयोजन में सपा की कोशिश ये है कि बौद्धिक और वैचारिक मामले में कार्यकर्ताओं का स्तर बढ़ाया जाए, जिससे वो आरएसएस, बीजेपी और कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों को बेबाकी से जवाब दे सके। अखिलेश यादव ने शिविर में दलित और पिछड़ों को एक करा और एक विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ने की बात कही। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि दलित कैडर को मजबूत करने में सबसे ज्यादा यूथ को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी जहां एक तरफ सेक्टर और बूथ लेवल पर ट्रेनिंग दे रही है, तो दूसरी तरफ अंबेडकर वाहिनी समाजवादी की अलग से ट्रेनिंग हो रही है। इस अभियान में दलित और पिछड़ों को एक होकर कैसे सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और आरक्षण का लाभ बढ़ाया जाए, इस पर काम की बात की जा रही है। सपा मायावती के प्रभाव क्षेत्र वाली दलित सीटों पर सेंध मारी कर एंट्री करने का प्लान तैयार कर रही है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अखिलेश के इस प्लान से 2024 की बिसात अखिलेश बिछा पाएंगे? क्या 80 में 80 का दाव जो अखिलेश खेल रहे हैं, वो उनका मकसद पूरा हो पाएगा या नहीं?